Hi everyone, I again welcome you in my YouTube channel Metamorphosis. And last time I delivered a lecture on adjective, the basic or the fundamental of adjective, and it was highly appreciated by my learners, and they asked me by their phone call that please deliver a lecture in bilingual mode, Hindi plus English. So today I am going to take it in Hindi as well as English so that it can reach up to the maximum people. तो शुरू करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव पार्ट सेकंड है, जिसमें मैं कुछ एरर्स लेने वाला हूं कि किस किस तरीके के फंडामेंटल्स हमें एरर्स में क्लियर होने चाहिए. स्टूडेंट, आई कांट टेक ऑल द एरर्स हियर, बट आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ द एरर्स हियर सो दैट यू कैन हैव ए जिस्ट, जिससे आपको एक झलक मिल सके कि मैं किस तरीके से ये एक्सप्लेन करता हूँ और हमारा पेडागोजी क्या है लोगों को ले जाने की. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एक एडजेक्टिव है एल्डर और ओल्डर, जिसमें एरर्स बहुत पूछी जाती हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक डिफरेंस. देन एल्डर एडजेक्टिव इज ओनली यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ब्लड रिलेशन. अगर आप अपने भाई बहन या फिर कोई भी फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली के लिए बात कर रहे हैं तभी आप एल्डर यूज करेंगे बड़े के लिए, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ एडजेक्टिव एल्डर. एंड ओल्डर when you are talking of anybody except blood relation, जब कोई आपके blood relation में ना हो, जैसे आपका friend है और आपके जो है कोई relative हैं और कोई भी हो जो आपके direct blood relation में नहीं है, there you are going to use older. Like I am giving example, my brother is elder to me and my friend is older to me. So this is how I can use elder and older. दूसरे में आते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस है, ओरल एंड वर्बल. वर्बल एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है विच हैज समथिंग टू डू विद वर्ड्स, रिलेटेड विद वर्ड्स. तो वर्बल जहां पर भी होगा वहां पर वर्ड्स इन्वॉल्व होंगे, और ओरल जहां पर भी होगा वहां पर साउंड इन्वॉल्व होगी, हमारा मुंह या माउथ इन्वॉल्व होगा. सो एक बहुत अच्छी एरर इसमें ज्यादातर पूछी जाती है जो ये होती है कि द टीचर विल टेक, सॉरी, द टीचर विल गिव अ वर्बल टेस्ट. ये एरर बहुत बार पूछी जाती है. सो आई वुड लाइक टू टेल यू, पहला तो मिस्टेक यहां पर बहुत लोग करते हैं कि हम लोग कभी भी एग्जाम गिव नहीं करते. हम जनरली ये कहते हैं आई एम गोइंग टू गिव माई एग्जाम. No, we always take exam और teacher always give exam. तो जब teacher हमें exam देगा तो वो give होता है और हम हमेशा exam लेते हैं. तो जितना भी हमने अभी तक बोलना सीखा है कि we are going to give our exam, please change it, we are going to take our exam. जो main चीज है कि verbal test, अगर teacher कोई test ले रहा है तो test के अंदर ही by default वो verbal है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें एक test मिला हो और उनमें शब्द ना हो. सो टेस्ट बाय डिफॉल्ट ही वर्बल होता है. और अगर सेंटेंस में इवन आफ्टर दैट वर्बल इज रिटन देयर, इसका मतलब वो कुछ और चीज को एम्फसाइज करना चाहता है, कोई टाइप. और अगर वो यहां पर टाइप एम्फसाइज करना चाहता है तो वर्बल तो टेस्ट बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो हमें टाइप देखना है तो वो ओरल होना चाहिए. तो यहां पर जो एरर होगी वो वर्बल की जगह ओरल होगी. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द टीचर विल गिव एन ओरल टेस्ट, फिर यहां पर एन आ जाएगा, एन ओरल टेस्ट. तो ये है ओरल एंड वर्बल में डिफरेंस. एक बहुत शानदार डिफरेंस है म्यूचुअल एंड कॉमन. सो म्यूचुअल एंड कॉमन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच वी मस्ट थिंक और विच वी मस्ट हैव वेरी क्लैरिटी. सो म्यूचुअल इज ओनली कंसर्न विद टू पर्संस, टू एंड्स आर देयर इन केस ऑफ म्यूचुअल. Its concern for second and second concern for first is actually mutual. So that's why we always say that it is a mutual relationship. Husband and wife, a mutual understanding should be there because they are concerned with each other. Two people and concerned with each other. The same way mutual divorce, because it is related with two persons only. The same way mutual is used only with when two persons are involved and both are concerned with each other. I think it is clear. And common when one person has connections with many people.
So here one person is a common friend. This person is common friend to this, 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 this. So here no case of two persons. यहां दो लोगों का कोई भी case नहीं होगा. यहां कितने भी लोगों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे ये जुड़ा होगा. This is common. So this is how we use take mutual and common difference. एक बहुत important difference है later and latter. Later इन दोनों का मतलब बाद में होता है. हिंदी में इनको बाद में ही कहते हैं. But here while using it is quite very dexterous task to choose the correct word. Later का मतलब होता है जब कोई बाद में आए लेकिन वो define हो time के reference में. किसी के बाद कोई आता है, यानी एक टाइम में कोई पहुंच गया और उस टाइम के रेफरेंस में उसके बाद कोई आता है तो यहां पर लेटर होगा. जैसे आई ज्वाइन द पार्टी एट 9 AM और 9 PM लेटर केम या लेटर ज्वाइन माई फ्रेंड. तो ये 9 PM के बाद का टाइम है. और जैसे ही हम लेटर कहते हैं तो लेटर होता है जब हम कोई सीक्वेंस लेते हैं दो लोगों का और उसमें सीक्वेंस में ये दूसरा जो व्यक्ति आता है इन ए सीक्वेंस द सेकेंड पर्सन. जैसे मैं कहता हूं दिल्ली मुंबई एंड कलकत्ता बोथ आर क्वाइट पॉल्यूटेड सिटी और दिल्ली एंड मुंबई बोथ आर क्वाइट पॉल्यूटेड सिटी बट द लेटर. सो यहां पर जैसे ही मैं लेटर कहूंगा तो मुंबई की बात कर रहा हूं क्योंकि लेटर सीक्वेंस में दूसरा कौन है, मुंबई. सो लेटर मीन्स हियर द सेकंड वन इन द सीक्वेंस. तो जब भी हम सीक्वेंस में सेकंड की बात करें तो लेटर, और जब हम टाइम के हिसाब से सेकंड की बात करें तो लेटर. और एक लास्ट, ये लिस्ट आप जरूर नोट कर लीजिएगा. ये लिस्ट लैटिन कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं और इनके साथ सारे लोग अभी तक ये एरर करते हैं कि देन लगाते हैं और वो सोचते हैं कि कंपैरेटिव का देन लेंगे. जैसे ही इज सुपीरियर देन मी, ही इज जूनियर देन मी. ये बिल्कुल गलत यूज है इंग्लिश के अंदर. इट इज टोटल फॉल्टी यूज. सो व्हाट वी हैव टू डू, ये 7 जो लैटिन एडजेक्टिव हैं ये हमेशा सिर्फ एक चीज लेते हैं अपने साथ और यही एरर आती है, एंड दे टेक 2. सो यू विल से दैट ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी. सो ये यहां पर हमेशा 2 लेंगे, देन नहीं लेंगे. इस तरीके से हम एडजेक्टिव के, मैंने आपको जो आज एक्सप्लेन किए हैं, एल्डर और ओल्डर का डिफरेंस, जो ब्लड रिलेशन और विदाउट ब्लड रिलेशन के हिसाब से, म्यूचुअल एंड कॉमन, म्यूचुअल दो लोगों के लिए है कंसर्न आपस में एक दूसरे के लिए, कॉमन जो एक कई लोगों से जुड़ा हो, ओरल एंड वर्बल. वर्बल बाय डिफॉल्ट कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट या टेस्ट वर्बल होता है क्योंकि इट इज रिलेटेड विद द वर्ड्स. जब उसे एम्फेसाइज करना हो तो वहां ओरल आना चाहिए. लेटर टाइम के हिसाब से और इन रेफरेंस टू टाइम विच कम्स आफ्टर वो लेटर है, और जो सीक्वेंस के रेफरेंस में जो बाद में आए वो लेटर है. और ये 7 लैटिन एडजेक्टिव हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, सीनियर, ये सब देन नहीं लेके 2 लेते हैं. सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो एडजेक्टिव्स में बहुत आती हैं. उसके बाद हम एक एडजेक्टिव Part-3 लेंगे जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के कुछ रूल लेंगे. सो आई होप दैट यू विल लाइक दिस एंड यू विल हैव मेनी कंफ्यूजन क्लियर्ड इन योर माइंड. एंड इवन इफ योर स्पेसिफिक डिमांड इज देयर, अगर आपको लगता है कुछ और छूटा है जो हमें बहुत जरूरी है समझना, यू कैन जस्ट राइट इन द बिलो द यूट्यूब इन द कमेंट सेक्शन. एंड टिल देन आई फील लाइक कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप डिमांडिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.